नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आज। बधाई देने उनके घर पहुंचे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से रवाना हुई पहली रामायण सर्किट ट्रेन अयोध्या से चित्रकूट तक कराएगी दर्शन। सुकमा के सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग, जवान ने अपने ही साथियों पर बरसाई गोलियां, 4 की मौत और 3 घायल। एनसीपी के विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई के लिए रवाना, समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों की करेंगे जांच। तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका, एमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। पीएम मोदी ने की सीएम स्टालिन से बात, दिया मदद का भरोसा। कोरोना काल में लोगों की मदद करेगी न्यूजीलैंड सरकार, लाखों परिवारों की आय बढ़ाने का ऐलान। इराकी प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश नाकाम, ड्रोन हमले में सुरक्षित बचे अल-कदीमी। एलोन मस्क बेच सकते हैं 2100 करोड़ डॉलर के शेयर, ट्विटर पर जनता से पोल करके मांगी राय। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया, फैंस में देखी गई निराशा, सहवाग ने भी करा ट्रोल। सलमान खान को चैलेंजिंग रोल देना चाहते हैं राजकुमार संतोषी, जल्द शुरू करेंगे अंदाज अपना अपना की शूटिंग। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।